सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो भाई आज मैं आपको फिर से एक डायग्राम बना के आपको मैं एक जो वायरिंग डायग्राम के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हमारी 3 फेज के आउटडोर टू इंडोर वायरिंग होती है और इसमें क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ होते हैं और कहाँ कहाँ से हमारा फेस टेस्ट होके आता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा भाई, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और एक कमेंट करके जो बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। और इसके रिलेटिव मैंने पहले एक प्रैक्टिकल वीडियो बना चुका हूँ मैं, पर उसमें अगर वायरिंग का इशू पड़ता है कि वायरिंग ज़्यादा हो जाती है, वायरिंग तो कन्फर्म नहीं होता, तो वैसे मैंने अभी एक डायग्राम बनाई है तो उसके रिलेटिव आपको बताता हूँ मैं। तो सभी को पता है नेचुरली कि रेड येलो ब्लू 3 फेस हो गए और न्यूट्रल और अर्थ, ठीक है। तो रेड येलो ब्लू ये डायरेक्ट फेस हमारे जा रहे हैं एक कॉन्टेक्टर में और एक सिंगल फेस प्रिवेंटर में। अब सिंगल फेस प्रिवेंटर का क्या काम है उसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये फेस चेक करता है कि हमारे इन 3 फेस में कोई एक आधा फेस अगर ब्रेक डाउन हो रहा है, वोल्टेज कम आ रही है, एक फेस में वोल्टेज कम आ रही है तो ये मशीन को स्टार्ट नहीं करता है, या फिर यहाँ पे कोई स्पार्क हो गया तो वायर वगैरह छूट गई तो ये मशीन को स्टार्ट नहीं करेगा। तो अब हमारी एक डायरेक्ट फेस आता है हमारा कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर में, ठीक है। तो ये हमारी जो अभी मैं बता रहा हूँ ये डाइकन की है। तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट पैनल की। तो नेक्स्ट पैनल में क्या है, ये एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल एक फेस, एक न्यूट्रल हमारा जाएगा कॉन्टेक्टर के A1 पे और दूसरी न्यूट्रल जाएगी हमारी फैन के, जो हमारा आउटडोर में जो फैन लगे होते हैं दो या फिर एक फैन लगा होता है वहाँ पे हमारा जाएगा न्यूट्रल। ये हमारा एक न्यूट्रल जा रहा है यहाँ पे, वायर यहाँ से घूम के एक न्यूट्रल यहाँ आई, एक न्यूट्रल A1 पर गई हमारे कॉन्टैक्टर को स्टार्ट करने के लिए। न्यूट्रल हमारी डायरेक्ट जाती है, न्यूट्रल में कोई भी हमारा ब्रेकर नहीं लगा होता है तो न्यूट्रल हमारी डायरेक्ट जाएगी। और एक न्यूट्रल का लूप हमारे यहाँ पे इंडोर के, जो हमारी इंडोर की PCB होती है वहाँ के लिए हमने एक न्यूट्रल दे दिया हमें, वो भी हमारी डायरेक्ट जाएगी। क्योंकि जो 3 फेज की ज़्यादातर अभी लेटेस्ट जो हमारी मशीनें आ रही है वहाँ से जो न्यूट्रल होती है वो, और न्यूट्रल और फेज है वो आउटडोर टू इंडोर जाते हैं, ना कि इंडोर टू आउटडोर। वैसे हमारे वो अगर आपने करना चाहते हो तो आप टेक्नीशियन के हिसाब से उसको बोल के आप करवा सकते हो कि न्यूट्रल फेस हमारे जो भी हैं इंडोर के अलग हो और आउटडोर के अलग हो। तो फिर उसके बाद में अगर पंगा पड़ता है तो A1 A2 भी सप्लाई में पंगा पड़ जाता है थोड़ा बहुत। तो चलो ये तो हो गया। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे इस पैनल के बारे में। यहाँ पे आ गई आपके न्यूट्रल फेस फैन सप्लाई। अब फेस कहाँ से ऑपरेट होगा, फेस होगा हमारा ऑपरेट फैन का, फैन का ऑपरेट होगा हमारा कॉन्टैक्टर के, जब कॉन्टैक्टर चिपकेगा उसके बाद ऑपरेट होगा। यहाँ से कंप्रेसर को सप्लाई चली जाएगी, तीनों फेस कंप्रेसर को चले जाएंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 ये हमारा हो गया COMP कंप्रेसर, ये तीनों फेस चले जाएंगे हमारे कंप्रेसर। जैसे ही हमारा कॉन्टैक्टर चिपकेगा तो साथ के साथ फैन भी ऑन हो जाएगा, कंप्रेसर भी ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे वायर गई है ऊपर, ये गई और ये फैन को फेस मिल गया। तो फैन का हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट न्यूट्रल फेस जो कि हमारे डायरेक्ट आ रहे हैं इंडोर सप्लाई के लिए। ये भी हमारे डायरेक्ट हैं न्यूट्रल फेस, ये हमारे डायरेक्ट आ रहे हैं। और सीपी आएगी, सभी को चेक करने के बाद मैं आपको बताऊंगा इसके लास्ट में इसका आएगा सीपी का। तो नेक्स्ट आ गया हमारा कॉन्टैक्टर, कॉन्टैक्टर आ गया हमारा नेक्स्ट। तो कॉन्टैक्टर में भी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो कॉन्टैक्टर में एक होता है A1 और एक होता है A2, जो कि हमारे अंदर जो मैग्नेटिक कॉइल लगी होती है उसको स्टार्ट करने के लिए न्यूट्रल और फेस चाहिए होते हैं। तो न्यूट्रल तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट दे दी, बट अभी हमने फेस कंट्रोल करना है जो कि हमारा आएगा इंडोर से CP, ठीक है। अब आगे आगे हमारी LP और HP, जो हमारी अभी डाइकन की या फिर ब्लूस्टार की जो मशीन वगैरह आ रही हैं उनमें ये होता है कि पहले सप्लाई इंडोर में जाती है, इंडोर से आउटडोर को आएगी। तो यहाँ से वो जो भी एरर, कल को अगर आपकी गैस लीक हो रही है तो एरर आपको शो हो जाएगा। जैसे पहले जो ओल्ड जो मशीनें होती थी वहाँ पे आप न्यूट्रल फेस जो हमारे LPHP के जो हमारा फेस घूमता है वो हमारा यहाँ पे लूप दे देते थे कि
LPHP का अगर कल को एरर आया तो सिर्फ वहाँ पे रिमोट पे हमारा सिर्फ ऐसे शो हो जाता था, LP फिर ये ब्लैंक होके HP शो हो जाता था। अब मशीन जो लेटेस्ट आ रही हैं उनमें ये क्या हो रहा है कि जो LPHP का एरर है वो एक्यूरेट ही एरर है, कि अगर आपकी हाई साइड में कोई प्रॉब्लम है तो LPHP ही शो होगा। सो LPHP जो आपकी हमारी इंडोर की वायरिंग है जो भी आउटडोर की, अभी जो हमारी लेटेस्ट मशीन आ रही है उनकी जो भी HP और LP की जो वायर्स वगैरह है वो सीधी इंडोर में जा रही है, तो अभी हम 7 कोर यूज़ कर रहे हैं इसलिए। और जो कि SPPR की जो वायर है वो भी हमारी पहले इंडोर में ही जाएगी, कि इंडोर की PCB प्रॉपर चेक करेगी कि जो एरर है वो किस चीज़ का एरर है, और हमारे जो रिमोट की डिस्प्ले वो एक्यूरेट एरर शो होगा कि ये हमारा इस चीज़ का ही एरर है। क्योंकि पहले जो मशीन थी उनमें कन्फर्म नहीं होता था कि कैसी कैसी हमारी जो HP कि LPHP का एरर है, किस चीज़ का एरर है। तो अभी जो भी हमारी एक फेस जो कि हमारा सिंगल फेस प्रिवेंटर है SPPR, जो हमारा सिंगल फेस प्रिवेंटर है, इसमें एक डायरेक्ट फेस जाएगा और दूसरा डायरेक्ट फेस हमारा आउटपुट निकलेगी इंडोर में जाएगी, वो इंडोर ही ऑपरेट करेगा किसको फेस देना है किसको नहीं देना है। ये सिंपल सी फायरिंग है, ज़्यादा इसमें पेचीदा काम नहीं है। अगर आपकी ये फायरिंग वगैरह सड़ जाती है, अगर दोबारा वापस बनाना चाहते हो तो इंडोर को छोड़ के आप आउटडोर की वायरिंग नॉर्मल से आप कर सकते हो, पर जैसे इंडोर अगर जैसे अगर PCB आपकी लेटेस्ट है तो आप इसे ऑपरेट आपको PCB के रिकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, नहीं तो आपका इंडोर और आउटडोर स्टार्ट नहीं होंगे। जो भी वायर है वो हमारी पहले जाएगी PCB में, PCB ऑपरेट करेगी आउटडोर में आउटडोर को, तभी हमारी CP जाएगी, CP की सीधी जाएगी हमारी A2 पर, जैसे आपको ये देख रहे CP हमारी A2 पर। ये लास्ट वायर है जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर को स्टार्ट करेगी। अगर ये हमारा सर्किट ओके है, सिर्फ इतना सा सर्किट होता है जो आउटडोर को चेक करता है, अगर ये सर्किट हमारा ओके है तो यहाँ पे ये CP आउटपुट निकलेगी CP। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो।